आमतौर पर ये सायरन की आवाज़ हमें किसी अपराध के घटित होने पर ही सुनाई देती है। हम ये आवाज़ सुनकर सहम जाते हैं, परंतु कोरोना महामारी के इस बुरे दौर में इस आवाज़ के मायने बदले से लग रहे हैं। अभी हमारे लिए ये आवाज़ आम हो गई है। देश एवं प्रदेश में लॉकडाउन घोषित है। ये व्यवस्था हमारे बचाव के लिए ही की गई है। फिर भी यदि हम अवमानना करें तो ये सायरन ही हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी और दूसरों के स्वास्थ्य की फिक्र करनी है। कोरोना के करणवीर सीरीज में हम प्रशासन, स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग के कर्मवीरों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अदम्य साहस, वीरता, शौर्य एवं पराक्रम की प्रतीक हमारी राजस्थान पुलिस की। कोरोना से हमें बचाने के लिए ये जांबाज आज हर चौराहे, सड़क, गली, नुक्कड़ पर मुस्तैदी से खड़े हैं। न्यूज़ 21 राजस्थान का इनको बिग सैल्यूट। आज हम कुचामन शहर में हैं। कुचामन में खड़े ये जांबाज जिस काबिल लीडर के नेतृत्व में अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, उनसे मुलाकात होगी आज के इस दूसरे एपिसोड में। जी हाँ, आज आपके लिए हम संदेश लेकर आए हैं कुचामन पुलिस निरीक्षक रामवीर जी जाखड़ का। तो चलिए आपको सुनवाते हैं इनका संदेश। నిశ్శబ్దం పగిలి ముక్కలవుతున్న భీకర దృశ్యం, అలలెగసిన దడియాల కడి ఆగ్రహ తేజమై రూపుదాల్చిన సత్యం, ఆగ్రత్రాణ పరాయణ దీక్షా పర్వం ఆహోరంభం। कोरोना से छिड़ी इस जंग में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन और सफाई कर्मी, ये मुख्य जो योद्धा हैं माने गए हैं। इसमें पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका है? पुलिस विभाग का मोटे तौर पर यह है कि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन का सहयोग करना। इसके अलावा सबसे बड़ा जो रोल है कि आम जन भीड़ के रूप में नहीं आए, समूह के रूप में नहीं आए। इसके लिए हमने ये व्यवस्था भी कर रखी है कि बाज़ार में एक टाइम फिक्स कर रखा है कि 8 से 11 तक दुकानें खुलेगी। अत्यावश्यक कार्य के लिए लोग बाज़ार में आए, उसके लिए भी ये व्यवस्था कर रखी है कि वो सोशल डिस्टेंस बनाए हुए दूर दूर खड़े रहें। इसके लिए पुलिसकर्मी शहर में 8 जगहों पर तैनात है, नाके के रूप में, जो हर आने जाने वाले पर निगाह रखते हैं। वो ये देखते हैं कि इसका आना ज़रूरी है तो ही भेजते हैं, अन्यथा उसको वापस भेज देते हैं। मोटरसाइकिल अलाउ नहीं है। इसके अलावा दुकानों पर भी मेन बाज़ार में पुलिसकर्मी तैनात हैं। वो लोगों को ये सलाह देते हैं कि आप मास्क पहनें, दूर दूर खड़े रहें, शॉपिंग करते समय ये भी ध्यान रखें कि एक निश्चित दूरी पर रहकर करें, पास पास नहीं रहें, भीड़ के रूप में नहीं रहें, और लोगों को समझाते भी हैं। इसके लिए हमने समय समय पर फ्लैग मार्च भी किया है, लोगों को समझाने के लिए सायंकालीन फ्लैग मार्च भी किया है और माइक के रूप में प्रचार प्रसार भी किया। ये लॉकडाउन एक बड़ा शब्द माना जा रहा है, पहली बार इतना आम नहीं है हमारे लिए राजस्थान में, इस तरह की विपदाएं कम आती हैं। लॉकडाउन हमारे लिए या ग्रामीण जनता के लिए एक नया सा ही शब्द है। इसका सामान्य या बिल्कुल सरलता से क्या अर्थ निकाले, लॉकडाउन में क्या करें और क्या नहीं? लॉकडाउन का मतलब ये है कि लोग घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलें, स्वेच्छा से ये पालन करें कि अपने को कोरोना से बचाव करना है तो घर में ही आइसोलेटेड होकर रहना पड़ेगा। और यदि अत्यावश्यक कार्य है बाजार में या मेडिकल के रूप में या किराना का सामान लेने के लिए तो ही जाना है, जाते समय मास्क का प्रयोग करें और अत्यावश्यक कार्य के लिए बाहर जाएं, क्योंकि इसका संक्रमण का डर रहता है, फैलने का डर रहता है। इसका बचाव ही उपचार है, अपन सब जानते हैं, और सोशल डिस्टेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है।
अभी अपने नागौर जिले में या फिर बात करें खासकर अपने व्रत में किस तरह की व्यवस्थाएं आपने करी हैं, वैसे आपके द्वारा दिए गए निर्देशों की पूरी तरह पालना कर रहे हैं या कोई अवहेलना भी देखने को मिल रही है? तो चमन एक बड़ा कस्बा है और वैसे शिक्षा नदी के रूप में भी जाना जाता है। तो चमन के एंट्रेंस करने वाले जितने भी मार्ग हैं वहाँ पर हमने 8 नाके लगाए हैं शहर के अंदर और बाहर की तरफ। हर आने जाने वाले पर निगाह रखनी जाती है, उसको पूछा जाता है किस काम के लिए वो आ रहा है। यदि वाजिब कारण है तो हम आने देते हैं, नहीं तो उसको वापस भेज देते हैं। बाजार का शेड्यूल 8 से 11 कर रखा है, 8 से 11 वो खरीदारी कर सकता है, मेडिकल का सामान ले सकता है या कोई और विशेष कार्य है तो वो बाजार में आ सकता है। मास्क पहन कर आने की सलाह दी जाती है। बाजार में खरीदारी करते वक्त हमारे कार्मिक जगह जगह तैनात हैं, वो ये भी सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की सलाह देते हैं। अभी बैंकों में और राशन की दुकानों पर भी काफ़ी चहल पहल है, तो वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंस या दूरी बनाए रखने के लिए हमारे सिपाही जगह जगह तैनात किए गए हैं। हमारी ओर से लोगों को ये मैसेज भी दिया जाता है कि ये एक संक्रामक बीमारी है, इससे दूर रहकर ही अपन बच सकते हैं, घर में रहकर ही बच सकते हैं। और लोग पालन भी कर रहे हैं, प्रभु बुद्धि की भी लोगों की ये नगरी है, लोग पालन कर रहे हैं, स्वेच्छा से पालन कर रहे हैं, पुलिस भी हिदायत देती है और यहाँ सब ठीक ठाक सामान्य चल रहा है। अपने जिले या विशेष से अपने व्रत में इस तरह का कोई खास बात आप खास संदेश लोगों को कहें कि सूचना देने के लिए बाहर से आने वालों के लिए वो सूचना देती है? या पूना है या दिल्ली है या तबलीगी जमात के लोग हैं उनसे ही खतरा है, और उस खतरे के बारे में लोग यहाँ हर समय सूचना देते रहते हैं। जो बाहर से लोग आते हैं उसके बारे में लोग यहाँ से कोई निकलते हैं करते हैं यहाँ के लोग सूचना देते हैं, जो पुलिस स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से उनका स्क्रीनिंग करवाती है और बाद में क्वारंटाइन भेजना होता है या होम आइसोलेशन भेजता है तो वो भेजते हैं। मेरा यही मानना है कि कोरोना से बचाव ही उपचार है, हम सभी जानते हैं, इससे हम दूरी बनाकर घर में रहकर बचाव कर सकते हैं। ज़्यादा डरने की भी आवश्यकता नहीं, हम सभी लोगों को भी यही अपील करते हैं कि इसमें घर पर रहकर आइसोलेट रहकर ही बचाव कर सकते हैं। थोड़े दिन की और बात है, एक फेज चला गया, दूसरा फेज अभी 15-20 दिन का और है, उसके बाद हम जन्म जी सकते हैं। वैसे स्थिति कंट्रोल में। लॉकडाउन की जो अवधि बढ़ गई है उसको लेकर के लोगों के मन में संशय है कि ये कितने समय तक रहेगा, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये लॉकडाउन की अवधि तो कितने समय तक बढ़ेगी ये तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन मेरा ये मानना है जो भी अवधि बढ़ेगी जनता को धैर्य रखना पड़ेगा। हम कोरोना की जंग जीत कर रहेंगे, जनता का आत्मविश्वास और पुलिस स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के सहयोग से हम ये जंग जीत कर हासिल करेंगे। ये इसमें अपन सबका सहयोग अपेक्षित है, जनता का, खासकर शहरी और ग्रामीण जनता का। ग्रामीण जनता हालांकि इसका पालन कर रही है, ऐसी बात नहीं है कि वो पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन और हमारी गाड़ियाँ जाती है, माइक के द्वारा उनको समझाती है, घरों के अंदर रहिए, बाहर नहीं निकले, झुंड के रूप में नहीं रहे, संक्रामक रोग फैलने का डर रहता है, ये इस तरीके की बीमारी है, लोग पालन कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र में तो हो ही रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में भी पालन हो रहा है। ये आमतौर पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के प्रति जनता की बेरुखी नज़र आती है, लेकिन अब कोरोना के लॉकडाउन में ये देखा गया है कि जनता पुलिस और प्रशासन के साथ है। हमने जितनी बार भी फ्लैग मार्च किया, सभी समाज, सभी समुदाय, सभी वर्गों ने हमारा पुष्प वर्षा द्वारा स्वागत किया। यही नहीं, सभी मोहल्लों में जहाँ जहाँ विभिन्न मोहल्लों में हम गए वहाँ पर अब तो ये कहने लगे कब आप निकलोगे, और विभिन्न जातियों ने, यहाँ तक हिंदू नहीं मुसलमानों ने, हम जिन मोहल्लों में गए तो उन्होंने पुष्प वर्षा द्वारा स्वागत किया और हमारा हौसला अफजाई किया। तो हम ये मानते हैं कि हम ही नहीं, जनता भी अब एक तरीके से कोरोना की जंग लड़ने के लिए कर्मवीर की तरह भूमिका निभा रही है, और हम जनता का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया और साथ दे रहे हैं। तो ये थे आज के हमारे इस पुलिस विभाग को समर्पित एपिसोड के कर्मवीर। अगले एपिसोड में हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मवीरों के साथ फिर मुलाकात होगी कोरोना के कर्मवीर एपिसोड 3 में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।